वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज की इस वीडियो के साथ मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ स्कूल की बहुत ज्यादा अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में, जो कि गाइस तुम लोगों को प्रो बना देगी। अगर तुम स्कूल पे उतरते हो तो भाई कोई बंदा तुमसे बच नहीं पाएगा, साथ ही में आपकी स्किल्स भी होनी चाहिए। तो भाई इन ट्रिक्स को पूरी एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लग जाती है, हमारे चैनल पर नए आए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम लोग ऐसे ही आप सभी लोग वीडियोज लाते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके अपने स्क्वाड मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी भी बहुत अच्छे से स्किल्स बढ़े, उनको भी कुछ ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को बताते हैं यार कौन सी ट्रिक्स हैं और आपको इन सभी लोगों को इस्तेमाल कैसे करना है। तो भाई पहली ट्रिक जो वर्क करती है, यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो मैं छत पे आ गया हूँ और तुम्हें मैं एक बात बता दूँ कि मेरे को फुटप्रिंट्स पता चल रहे हैं कि हाँ भाई बंदे इधर हैं। अगर आपको पता चल रहे हैं कि बंदे भाई सामने वाले बिल्डिंग में छुपा हुआ है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, भाई देख सकते हो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक एनिमी दिख गया। देख सकते हो अगर नीचे से ये ऊपर जा रहा है तो भाई ये वहां जाके मुझे पता है कि सीढ़ियों पर टीपीपी लेगा। उसे भी पता है कि कोई भी तो बंदा इधर है और वो आने की जरूर कोशिश करेगा। तो यहाँ से आप ग्रेनेड भी फेंक सकते हो, नेड भी फेंक सकते हो, बट नेड अगर आपका परफेक्ट नहीं हुआ तो भाई आप लोग का किल बहुत आसान से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे आ जाना है। अब इधर चढ़ने के बाद गन को पीछे रख लेना है एंड फुल स्प्रिंट में भगना है। भगने के बाद कोने से जंप लगाना है एंड सीधा बूम, यार देख सकते हो यार तुम उसकी बिल्डिंग में आ जाओगे एंड आके उसको बिल्कुल ही शॉक दे सकते हो यार। उसको मतलब यार बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, सोचेगा यार बंदर कहाँ से आ गया, इधर आके मार के भी चले जाओगे आप। तब तक आपको स्पेक्टेट ही करते रह जाएगा, वो सोचेगा आप एक हैकर हो। बट गाइस आप यार कितने सही तरीके से उछल के आए हो यार, बिल्कुल ही कभी बंदर की तरह उछल के आए। तो भाई आप बहुत आसान से उसको ऐसे किल कर दोगे। तो गाइस सेकंड ट्रिक आपको बता देता हूँ, सेकंड ट्रिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखो तुम्हें प्रिंट्स आ रहे हैं, तुम्हें पता है भाई भाई बंदा छत पे है, श्योर पता है कि भाई बंदे छत पे हैं, पूरी स्क्वाड छत पे बैठी हुई है। तो तुम्हें एक काम करना है कि यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियां मिल जाती है, तुम्हें कुर्सियों के ऊपर चढ़ के ऐसे कूदते रहना है। कूदोगे तो भाई देख सकते हो तुम्हें ऊपर का नजारा दिख जाएगा, ऊपर देख सकते हो मुझे दिख रहा है हाँ एक बंदा है। तो भाई समझदार को इशारा ही काफी है, तुम वहां जाओ उस पर रश मार दो भाई, तुम्हें थोड़ी सी भी लोकेशन अगर उसकी पता चल गई ना, जाओ उस पर रश मार दो। देखो भाई बंदा उधर गेट के पास खड़ा है, ऐसे भाई बहुत कुर्सियां इधर हैं। तो भाई तुम अलग अलग लोकेशन ऐसे पता कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम ऐसे जाओगे, अगर रश करोगे तो तुम आउट हो जाओगे। बट गाइस आप सभी लोग यहां से थोड़ी सी यहां पे पोजीशन ले सकते हो एंड देख सकते हो बंदा यहीं पे लेटा हुआ रहेगा, आपको पोजीशन बिल्कुल पता रहेगी, आप जाके उसका बहुत आसान से किल कर सकते हो। एंड उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना गाइस, पूरा नॉकआउट कर देना या पूरा जो भी किल होगा वो कर देना, जितने भी बंदे होंगे सबको यार भाई बहुत आसान से मार देना। तो अब यहाँ पे हम लोग थर्ड ट्रिक के बारे में बात करें, तो भाई थर्ड ट्रिक में आपको बताऊं कि अगर किसी रूम में बंदा है या किसी घर के बाहर बंदा है या अंदर बंदा है, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, पीक कर लेना है, अपना स्कोप खोलना है एंड उस दीवार के पास जाके खड़े हो जाना है। तो भाई देख सकते हो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो भाई मैं अंदर के रूम के अंदर का नजारा देख पा रहा हूँ कि भाई रूम के अंदर क्या क्या है, क्या चल रहा है, भाई तुम सारी चीजें देख पाओगे। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले मैं करके दिखा दूँ कि यहाँ देख सकते हो स्कोप ओपन कर लेना है, स्कोप में यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं रखना। ओके गाइज तो स्कोप में कोई रेड डॉट मत लगाना, देख सकते हो मैं अंदर का नजारा देख पा रहा हूँ। अब देखने के साथ साथ तुम यहाँ से किल भी कर सकते हो, अगर बंदे को नहीं पता यार तुम लोग कहाँ पे हो तो भाई तुम ऐसे करके किल उसका बहुत आसानी से ले सकते हो, बहुत सिचुएशंस में तुम्हारे बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है। तो भाई तुम्हें सबसे पहले मैं दिखाऊंगा भी कि अगर आप इस किसी का किल करना चाहो तो भाई किल कैसे कर सकते हो। सबसे पहले पीक कर लेना है, तुम्हें यहाँ पे अपना स्कोप खोल लेना है एंड स्कोप खोलने के बाद दीवार से थोड़ी पीछे जाके चिपक जाना है। ऐसे अगर तीन चार बार चिपकोगे तो भाई आपका बिल्कुल ही ग्लिच वर्क करेगा। देख सकते हो हमारा व्हाइट कलर का डॉट है, बिकॉज गाइस मैंने फायरिंग भी करी थी तो इस बारी हमारी फायरिंग नहीं लगी। बट गाइस यहाँ पे देख सकते हो फिर से अगर हम करें तो भाई देखो खून तक निकला था उसके, भाई 1 HP बचा है उसका, बस उसने मेरे को बताया भाई टीममेट ही अपना। तो भाई बिल्कुल यार आप ऐसे ही उसका किल कर सकते हो, मैंने इसे अभी बहुत आराम से मारा भाई, बिल्कुल ब्रूटल कुछ भी किल नहीं करा इसका भाई, बहुत आराम से मारा। तो भाई आप बंदे को किल बहुत आसानी से इस वाले ट्रिक के साथ आराम से अब तो कर ही दोगे भाई। ऐसी ट्रिक आप लोग बहुत जगह यूज कर सकते हो। अब इस वाले में क्या था कि अगर बंदा अगर आप ऐसा करोगे तो बंदा बाहर आके मार देगा, बट गाइस बहुत ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बंदे को पता नहीं चलता। तो चलो भाई फोर्थ ट्रिक के बारे में बात करते हैं। फोर्थ ट्रिक में ये है कि तुम्हें पता है कि हाँ भाई बंदे मुझ पे रश करने आ रहे हैं या तुम पे रश करने आ रहे हैं, बंदे नीचे बिल्कुल नहीं है, तो तुम यहाँ से आ जाओ और खिड़की से कूद के यहाँ खड़े हो जाओ। अब देख सकते हो मैं जो खिड़की है ना उसके भाई ऊपर वाले पोर्शन में खड़ा हो गया हूँ भाई, बिल्कुल बंदर की तरह खड़े हो जाओ, लटक जाओ इधर। अब यहाँ से देख सकते हो मुझे फुटप्रिंट्स आ रहे हैं कि भाई हाँ कोई आ रहा है यहाँ से। तो भाई तुम सबसे पहले तुम लोग को पता है कि हाँ भाई सेकेंड फ्लोर या सबसे ऊपर वाले फ्लोर में कोई है, बट मेरी ही बिल्डिंग में कोई है, तो भाई तुम इस जगह पर आ सकते हो एंड
इस जगह पे आने के बाद बंदा तुम्हें ढूंढते ढूंढते, भाई तुम्हें अगर एक थोड़ी सी बॉट फायर भी कर दोगे ना तो वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस रूम में आ जाएगा। एंड जैसे ही आएगा तुम बोलो यार ऊपर से आओ एंड उसका पूरा किल कर दो, उसे नॉकआउट कर दो, जो भी करना है भाई उसके साथ करो एंड उसका बिल्कुल यार कदे खा जाओ उसे पूरा। तो भाई बिल्कुल मत छोड़ना, ऐसी तुम लोग कर सकते हो और इस वाली ट्रिक को आप लोग यूज़ कर सकते हो बहुत सिचुएशंस में। आप स्कूल में ऐसी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, स्कूल में नहीं भाई बहुत जगह यूज़ कर पाओगे ऐसी वाले ट्रिक्स। गाइस गाइस बहुत सिचुएशंस ऐसी होते हैं जिसमें आप ये लोग यूज़ कर सकते हो ऐसी गाइस बहुत ट्रिक के साथ। यहाँ आप सीढ़ी के नीचे भी जाके छुप सकते हो जहाँ बंदे को बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। हालांकि भाई बहुत बंदों को पता है बट वो बिल्कुल चेक नहीं करते, उतना उनके दिमाग में उस वक्त बिल्कुल नहीं आता। जब उनको फुटप्रिंट्स आते हैं तब भाई दिमाग पागल सा हो जाता है उनका। तो भाई तुम ऐसी कुछ ट्रिक्स यूज़ करके अपना गेम को सुधार सकते हो, अपनी केडी बढ़ा सकते हो, अपना गेम प्ले अच्छा कर सकते हो। तो भाई मुझे यार ये वाली कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जो आपसे बिल्कुल आज बतानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट डैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन दबा देना अगर जो भी भाई लोग नए आए हो, एंड एक कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड अगली टॉपिक पे हम किस जगह पे यार वीडियो बनाए, ऐसा भी कुछ आप सभी लोग सजेशंस दे सकते हो अपने। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई ये सब कार्य जो है वो कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय, आई एम कुनाल साइनिंग आउट, पीस।